केक बनाना है घंटों का काम? जी नहीं, आज तैयार करेंगे मिनटों में। आज तैयार करेंगे इंस्टेंट चॉकलेट केक प्रीमिक्स, जिससे आप वैरायटी ऑफ चॉकलेट केक्स रेडी कर सकते हैं, मिनी चॉकलेट केक। साथ ही आपके साथ टेम्पटिंग मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करूंगी, और आज आपके साथ शेयर करूंगी अनबॉक्सिंग एंड आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी इनाल्सा इनॉक्स किचन मास्टर 1000 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। वेलकम टू एसके किचन एंड ब्लॉग्स। तो सबसे पहले तैयार करेंगे मिनी चॉकलेट केक। तो इसके लिए मैंने 2 कप ले लिया है मैदा एक बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर, जिसको मैंने मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया था। पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। आप अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये हमारा तैयार हो गया इंस्टेंट प्रीमिक्स, जिसे आप 15 से 20 दिनों तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको केक खाने का मन हो, बच्चों को जब भी डेजर्ट खाने का मन हो, तो आप उन्हें इंस्टेंटली केक बनाकर दे सकते हैं। तो आप अपने तैयार प्रीमिक्स से चलिए मिनी चॉकलेट केक तैयार करते हैं। तो मैंने एक बाउल में ले लिया है 2 कप प्रीमिक्स इंस्टेंट। अब इसमें मैं ऐड करूंगी दूध। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, इसमें हमें कोई लम्स नहीं रखनी है। धीरे धीरे मिक्सिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से हम दूध इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक लम्प फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। तो एक स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो रहा है। तो हमने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर लिया है इसमें, और पूरा 1 कप दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे वेनिला एसेंस। तो मैंने 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस के ऐड कर दिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने तैयार कर रही हूँ मैं अप्पे पैन में। आप चाहे तो इसको केक के बाउल में, आप चाहे तो इसको अवन में तैयार कर सकते हैं, स्लाइस केक बना सकते हैं, कप केक बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है आप तैयार कर सकते हैं। अप्पे पैन में ये इजीली रेडी हो जाता है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। आप इसको टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, और आप साथ ही जब भी इवनिंग स्नैक्स हो या डेजर्ट खाने का मन हो तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। अप्पे पैन में बहुत ही इजीली रेडी हो जाता है। स्टार्ट में मैंने 2 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे। एकदम पहले फ्लेम को लो रखेंगे ताकि ये जले नहीं, और बीच से फ्लेम थोड़ा ज्यादा आती है तो उसको साइड से थोड़ा मूव भी करते रहेंगे। अब हमारा एक साइड से एकदम रेडी हो चुका है, प्लफी प्लफी सॉफ्ट हमारे मिनी चॉकलेट केक रेडी हो रहे हैं। तो दूसरी साइड से मैंने टर्न कर लिया और दोबारा से 2 मिनट के लिए इसको टर्न कर लेंगे, और हमारे सॉफ्ट मिनी चॉकलेट केक रेडी है। इंस्टेंट रेसिपी है, बच्चों को झटपट से बना के दे सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टेंट केक रेडी हैं। तो आप शेयर करूंगी आपके साथ अनबॉक्सिंग इनाल्सा इनॉक्स किचन मास्टर 1000 की। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और अब इसके सारे पार्ट्स निकालेंगे। तो ये जो है इसका मेन पार्ट है मिक्सी का, जबरदस्त सा फूड प्रोसेसर है। इसके नीचे आपको एक स्टिक करने के लिए इसमें पैनल दिया हुआ है, तो जब भी हम कहीं जहाँ पे भी रखते हैं तो वहां पर ये अच्छे से जाके स्टिक हो जाता है, इसलिए ये मूव नहीं होता है। साथ ही इसमें चटनी जार, ड्राई ग्राइंडिंग जार, इसके साथ हमें मिलेगा जूसर, सेंट्रिफ्यूगल जूसर, और इसके साथ ही हमें मिलेंगे स्लाइस करने के लिए सारे ब्लेड्स, और हमें मिलेगा ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, वेट ग्राइंडिंग के लिए, जूसर के लिए सारे ब्लेड्स है इसमें। और ये सारे ब्लेड से हम श्रेडिंग कर सकते हैं, मिंसिंग कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा भी श्रेडिंग करना है, चॉपिंग करना है, इससे सब कुछ हो जाता है। ये ब्लेड से किचन का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इससे। इसका चटनी जार भी बहुत अच्छा है, प्योर स्टील का लगता है, और बहुत ही जबरदस्त से ब्लेड है इसके, झटपट से तैयार हो जाती है चटनी। मैंने ऑलरेडी इसको महीना भर भी यूज किया है, उसके बाद मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। तो ये है पूरा इसका जो प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट है इसमें, मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मिल्क शेक बनाने के लिए भी है, तो मैं आपके साथ मिल्क शेक की भी रेसिपी शेयर करूंगी, तो जरूर से वीडियो को देखिएगा। तो अभी हम इसका जो मेन बाउल है वो ले लेंगे, और हम इसमें अभी आटा गूंदेंगे।
तो बाउल का जो ये मेन है इसका स्पिंडल जो इसमें बीच में बाउल में लगा देंगे सेंटर में, और उसके बाद जो नीडिंग ब्लेड है वो इसमें लगा देंगे। इस नीडिंग ब्लेड से आप सिर्फ आटा ही नहीं गूंथ सकते हैं, हम इसे घी वगैरह भी बनाना है, केक बनाना है उसके लिए मिक्सिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी आप चीज़ें ब्लेंड कर सकते हैं मिक्सिंग वाली। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, पराठे के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, आप चाहे तो सादा आटा गूंदे। आप इसमें पराठे के लिए जो हम आलू वगैरह का पराठा बनाते हैं या कोई सब्जियों का पराठा बनाते हैं तो इसमें डायरेक्टली हम साथ में गूंद सकते हैं। अब इसका लिड जो मैंने लगा दिया है, ये जो मेन है इसका ये जो लिड है, इसको लिड क्लोज करने के बाद एक क्लिक सा साउंड आएगा जब हम फूड प्रोसेसर में लगाएंगे, वो मेन है। और इनालसा में जब भी आप इसको लगाने जाएं तो वो सेट करना है बीच में हमें बाउल, और यही है इसका मेन पार्ट जहां से ये पूरा अटैच हो जाता है। बाउल को बीच में रखेंगे हम और एक क्लिक सा साउंड आएगा, उसी से हमें ये पता चल जाता है कि ये अच्छे से बैठ गया है। और जब तक ये क्लिक साउंड नहीं आएगा तब ये बराबर से फिक्सिंग नहीं हुई है, हमारा फूड प्रोसेसर स्टार्ट भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो आटा हमारा अच्छा सॉफ्ट सा रेडी होगा। फोर्टी फाइव टू सिक्सटी सेकेंड में ही हमारा आटा रेडी हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट आटा रेडी हुआ है। अगर हम पानी का मेजरमेंट सही रखेंगे तो मैंने 2 कप लिया था, उसमें मैंने आधा ही कप पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, मिक्सिंग अच्छे से देखेंगे, हमारा एक सॉफ्ट सा आटा रेडी हो जाता है और इसकी सॉफ्ट मुलायम रोटियां बन जाती है। अब मैं आपको श्रेडिंग और इसमें किस तरीके से हम बारीक बारीक श्रेडिंग कर सकते हैं। बाउल में जो मेन स्पिंडल है उसको सेंटर में लगा देंगे, उसके बाद जो ब्लेड है वो लगा देंगे, तो बीच में इस स्पिंडल के बीच में हमें ब्लेड को लगाना है। अब इसको अच्छे से जो कैप का लिड है उसको अच्छे से क्लोज करना है। आप इसमें वेजिटेबल्स भी चॉपिंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, और साथ ही हम इसमें फ्रूट्स वगैरह भी कटिंग कर सकते हैं। हम इसमें जो हम फ्रेंच फ्राई कटर है वो भी है, बहुत ही पतली पतली स्लाइसेस निकली है इसकी, तो इसमें पतली स्लाइसेस मोटी स्लाइसेस दोनों तरफ ही कर सकते हैं हम, एक तरफ से पतली निकलेगी और एक तरफ से मोटी निकलेगी। तो अभी मैं आपको श्रेडिंग करके दिखाती हूँ इसमें कैसे श्रेड करते हैं। तो जब भी हमें हलवा बनाना हुआ, पराठा बनाना हुआ, गाजर का हलवा, दूधिये का हलवा, तो हम आराम से इसमें कर सकते हैं, झटपट से ये इंस्टेंटली हमारा काम हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। इस ब्लेड से हम मोटी वाली भी श्रेडिंग कर सकते हैं और बारीक जो भी वो भी कर सकते हैं। तो लिक्विडाइजर जो जार है इसमें आप मैंगो का मिल्क शेक, लस्सी, बटर मिल्क, कॉकटेल, कोल्ड कॉफी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें हम इसमें लिक्विडाइजिंग जार में बना सकते हैं। तो मैंने इसमें बिस्किट ऐड कर दी है, अपनी पसंदीदा बिस्किट वगैरह ऐड करें, चॉकलेट ऐड करें, जो भी आपको पसंद है वो ऐड करें, आइसक्रीम हो तो ऐड कर दें, और भी मजा आ जाएगा मिल्क शेक में। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब्स, एक ग्लास मैंने भर के इसमें दूध ऐड किया है, तो ये इतने से हम 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं, स्मॉल ग्लासेस। अब मैंने इसको जार को इसमें फूड प्रोसेसर में लगा दिया है और इसको रन करेंगे, 1 या 2 की ही स्पीड पर ही काम हो जाता है। मैंने सारी जो इसमें किया है वो 1 ही के स्पीड पे किया है, बहुत ही इजीली सारी मिक्सिंग हो जाती है इसमें। तो बिस्किट के चंक्स अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए इसलिए हम इसको स्टॉप करेंगे, फिर दोबारा से रन करेंगे। तो मैंने इसमें चॉकलेट सिरप लगा दिया है, उसके बाद मैंने इसमें जो मिल्क शेक वो ऐड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ रेसिपीज आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, इनालसा इनॉक्स 1000 किचन मास्टर अगर आपको खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई रेसिपीज के साथ, अपना रखे बहुत सारा ख्याल, एसके किचन एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.